हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में कि फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। उसमें आपको बताया था वन मंथ फंक्शन के बारे में और ऑन टू फंक्शन के बारे में। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट ए एक सेट गिवन है आर माइनस थ्री। आर माइनस थ्री का मतलब क्या है कि रियल नंबर में से हमने 3 को हटा दिया है और जो बी सेट है दिस इज आर माइनस वन। कंसीडर एनी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय दिस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज एफ इज वन वन एंड ऑन टू। हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, डोमेन ए दिया हुआ है और को डोमेन बी गिवन है। हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पास ये फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको वन वन फंक्शन। तो देखिए वन वन के लिए आपको क्या बताया था कि जब भी हमें वन वन चेक करना होगा हम सेट से दो एलिमेंट टेक करेंगे एक्स वन और एक्स टू और इस तरह से लेंगे कि सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो हम क्या करते हैं टेक एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब हमारे पास अगर एक्स वन और एक्स टू दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में ये फंक्शन हमारा वन वन हो जाएगा और अगर ये इक्वल नहीं आ पाते हैं तो उस केस में फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू। ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। ठीक है, ये एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिक्स से सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स वन वाले टर्म्स हम एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, एक्स टू वाले टर्म्स एक तरफ। तो माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। दिस इज माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से देखिए हमने कोई दो पॉइंट टेक किए थे और ऐसे पॉइंट लिए थे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू इक्वल थे। अब उस केस में क्या हो रहा है कि एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट ए से उठाए जाए और उनकी इमेजेस आपस में इक्वल है तो उस केस में वो पॉइंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस दैट द गिवन फंक्शन एफ इज वन वन फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको बताया था कि जब भी हमें फंक्शन को ऑन टू चेक करना होगा हम फंक्शन की क्या निकालेंगे रेंज निकालेंगे। अगर हमारे पास रेंज सेट कोडोमेन सेट के इक्वल आ जाता है तो उस केस में फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। तो अब देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम फाइंड करते हैं इस गिवन फंक्शन के रेंज सेट को। रेंज सेट कैसे निकाला जाएगा? रेंज निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा जाता है। देन सेकेंड स्टेप में एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं
और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, इसको क्रॉस कर दीजिए तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई टाइम एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स वाला टर्म एक तरफ ले जाएंगे और टू माइनस थ्री वाई, इन दोनों से एक्स कॉमन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब आपको बताया था रेंज निकालने के लिए जो हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एफ वाई बोलेंगे। अब हम इसका क्या निकालते हैं, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ वाई। डोमेन निकालना आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, वो सभी वैल्यू जहां पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करे। इस फंक्शन की वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज y की वैल्यू 1 रखने पे ये जो फंक्शन एफ वाई है ये कहाँ टेंड कर जाएगा, इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो इस वजह से जो डोमेन ऑफ एफ वाई होगा उसमें रियल नंबर में से हमें 1 को हटा देना है, इट मीन्स दैट डोमेन ऑफ एफ वाई इज r माइनस 1। तो ये हमारा क्या आया, डोमेन ऑफ एफ वाई। और आपको बताया था कि जो एफ वाई का डोमेन आता है वही फंक्शन की रेंज कहलाती है। सो रेंज ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू आर माइनस वन। अब यहाँ पे को डोमेन देखते हैं, को डोमेन भी हमें क्या गिवन है, आर माइनस वन, रेंज भी कितनी आई है हमारे पास आर माइनस वन, इट मीन्स दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और जब हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं इन दैट केस एफ इज ऑड। ये बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन हमारे पास जो गिवन था ये फंक्शन हमारा वन वन भी है और साथ ही साथ ऑड टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एफ एक फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हमारा वन वन होगा और वन टू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो सबसे पहला काम वन वन, जब हम फंक्शन को वन वन चेक करेंगे तो वन वन के लिए टेक करेंगे एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स दिस रियल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, 1 से 1 तो कैंसिल, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एक्स टू। जब स्क्वायर कर जाता है तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस साइन के साथ वैल्यू मिलती है हमें। तो आने क्या चाहिए थी, एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए था, मगर हमें मिल क्या रहा है, x1 is equal to plus minus x2, means यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, इट मीन्स दैट कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। भाई वन वन के लिए आपको क्या बताया था कि अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है मगर x1 x2 के भी इक्वल है और x1 minus x2 के इक्वल भी है। So in that case, f is not
वन वन। सेकंड, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारे पास ऑनटू फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऑनटू फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपने फंक्शन का रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए पुट कर देंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू 1 + x² इज इक्वल टू वाई, सो x² इज इक्वल टू वाई माइनस वन, x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस वन। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट वाई माइनस वन। अब इस फंक्शन का हम क्या फाइंड करते हैं, डोमेन। जो डोमेन होगा एफ वाई का, वही हमारे पास फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ एफ वाई क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ वाई, जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन में वो वैल्यूज आती हैं जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, स्क्वायर रूट का फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब उसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। तो जो डोमेन ऑफ एफ वाई होगा, इट मस्ट बी वाई माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो डोमेन ऑफ एफ वाई कितना हो गया, डोमेन ऑफ एफ वाई इज 1 to infinity। 1 पे इक्वल साइन लगा है इसलिए यहां पे हम क्लोज ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। अब जो डोमेन ऑफ एफ वाई आया है, दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की रेंज कितनी आ गई, 1 to infinity आ गई। और जबकि हमें को डोमेन क्या गिवन है, को डोमेन हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज हमारे पास क्या आई है, 1 to infinity आई है। मतलब क्या है, रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। और जब रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है तो उस केस में फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये ना ही वन वन फंक्शन है और ना ही ऑनटू फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफ डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 2 है या नहीं है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में आपने क्लास 11th में फंक्शन में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और वो हमें वैल्यू किस टाइप से प्रोवाइड करता है। इसको एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हमें देता है। और इंटीजर वैल्यू किस टाइप से देगा, जब अगर एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच होगी, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है ये हमें वैल्यू क्या दे देगा, 0 देगा, जब अगर एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच है। अगर एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, 2 से छोटी हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसी टाइप से अगर ये वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो ये 2 देगा, एंड सो ऑन। सेम इसी टाइप से नेगेटिव के लिए चलेगा कि अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाए और 0 से छोटी हो तो ये फंक्शन हमें क्या दे देगा, -1। सिमिलरली -2 देगा जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी और -1 से छोटी हो। तो इस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है। हर एक यूनिट इंटरवल पे ये ब्रेक होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और हर एक इंटरवल पे ये हमें इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करता है। इसका आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था कि ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो x की वैल्यू जब 0 से 1 तक चल रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 तक है। इसके बाद में जैसे ही x की वैल्यू 1 पहुंची, फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब है कि 1 से 2 में फंक्शन क्या देगा, हमें 1 दे देगा। फिर सिमिलरली 2 से 3 में फंक्शन हमें क्या देगा, 2 दे देगा।
कुछ इस टाइप से आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा, आगे इसी टाइप से ही चलता चला जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया कि होता क्या है, हर एक यूनिट इंटरवल पे वो हमें एक इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करता है। अब इस फंक्शन को हम यहीं से चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा 11 है कि नहीं है, 12 है कि नहीं है। देखिए 11 फंक्शन आपके पास जानते हैं कि अगर दो पॉइंट हम डिफरेंट ले रहे हैं तो उनकी इमेजेस भी हमें डिफरेंट मिलनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पे आप 0 से 1 के बीच कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जैसे कि आपने मान लीजिए x1 की वैल्यू 1/2 ले ली और x2 की वैल्यू 1/3 ले ली, तो अब आपको f ऑफ 1/2 भी 0 मिलेगा, f ऑफ 1/3 भी 0 मिलेगा। इमेजेस तो इक्वल हैं मगर पॉइंट इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा 11 नहीं होगा, नॉट 11। इसके बाद में ऑन2 की बात करते हैं। ऑन2 के लिए क्या होता है कि जो रेंज होनी चाहिए वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अभी आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर। और जबकि कोडोमेन क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है, तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बात समझना ही है, 11 के लिए दो पॉइंट हमने लिए, दोनों पॉइंट अलग अलग थे मगर इमेजेस उनकी सेम थी, इस वजह से फंक्शन 11 नहीं है। ऑन टू के लिए रेंज सेट हमने देखा वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, जबकि कोडोमेन रियल नंबर है, तो सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई कि फंक्शन को कैसे हमें 11 चेक करना है, किस टाइप से हमें फंक्शन को ऑन टू चेक करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, कि दो फंक्शन अगर एफ और जी हमें गिवन है तो उन फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकालना है और कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।